क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं मेंटल? क्यों कहा जा रहा है नीतीश कुमार को मेंटल? काफी भारी भरकम सवाल है ये। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार को मेंटल कह दिया है। पहले आपको ये बता देते हैं कि विजय सिन्हा नीतीश कुमार को और क्या क्या कह गए, उन्होंने सदन में और क्या कह दिया है। नीतीश कुमार मेंटल हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार की सत्ता पर बैठने के योग्य नहीं है। ये जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में आग लगाना चाहते हैं। अब पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार को सेक्स एजुकेशन वाले बयान पर खेद लिया है। बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, कल आप लोगों का एक घटना की ओर ध्यान गया होगा, ये घमंडीय गठबंधन, ये ईडी अलायंस। इस ईडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो ईडी अलायंस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो ईडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की हैं। कोई शर्म नहीं है उनको। और इतना ही नहीं, ईडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है, पर उसके बाद भी विपक्ष तंज कसते हुए उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान की कहानी क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया। सेक्स एजुकेशन और महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला जानती है कि उसे कैसे रोकना है। बाकी तो आपने ये बयान सुना ही होगा। बस फिर इसी बयान के बाद से बवाल मच गया है। महिला आयोग से लेकर आम लोग तक सभी उनकी काफी निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने ये बात बेहद गलत तरीके से कही है। कुछ लोग बयान को अश्लील भी बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि नेता विधानसभा में खड़े होकर इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। इस सब के बाद नीतीश कुमार ने अपने बयान को वापस देते हुए माफी मांग ली है। हालांकि माफी मांगने से पहले उन्हें सठिया गए, शर्म करो, उम्र का असर, अंतिम समय जैसे कठोर शब्द भी सुनने पड़े हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए विवादों में आ चुके हैं और तब भी उनके दिमाग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान रैली में नीतीश कुमार ने लालू के परिवार नियोजन पर राजनीति कर दी थी, यानी कि लालू यादव और उनके परिवार को लेकर पर्सनल अटैक कर दिया था। कह दिया था कि किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर दिए हैं, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं ये लोग। ये तंज सीधा लालू के परिवार पर साधा था नीतीश कुमार ने, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं अपने शरीर से भी और अपने दिमाग से भी। हालांकि फिलहाल जेडीयू आरजेडी की गठबंधन की सरकार है बिहार में और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक और किस्सा है जो भीड़ के बीच पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन ली और खींचकर पत्रकार के सर से टकराते हुए नजर आ रहे हैं उसमें। इसके बाद भी नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए थे और बवाल मच गया था। इसी तरह कई बार नीतीश कुमार चर्चा का विषय बन चुके हैं। आपकी क्या राय है? सीएम नीतीश कुमार का लाइमलाइट में रहने का ये तरीका है या फिर अनजाने में उनसे ऐसा हो जाता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए इसी तरह न्यूज़बुक को देखते रहिए।